छपरा में पिछले गुरुवार को जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, उसके बाद से ही विजय यादव, जो कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, वो अब तक फरार है और अब प्रशासन ने उसकी संपत्ति कुर्की के लिए जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा के मुबारकपुर गांव में ही, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही पोल्ट्री फार्म है जहां पर तीन लोगों को बेरहमी के साथ हाथ पैर बांधकर उनकी लाठियों से पिटाई की गई थी विजय यादव और उनके लोगों के द्वारा। और इस पूरी घटना में दो लोगों की अब तक मौत हो गई है। पहला व्यक्ति अमितेश कुमार सिंह, उसकी मौत उसी दिन हो गई थी, और फिर कल ही राहुल कुमार सिंह, जो दूसरा पीड़ित था जिसकी हालत गंभीर थी, उसकी भी मौत हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन लगातार यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा हुआ है और विजय यादव के कई जो यहाँ पर ठिकाने हैं और जो उसका पोल्ट्री फार्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी कुर्की जब्ती की जा रही है और यहाँ पर इस पोल्ट्री फार्म को जो है वो यहाँ पे ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। जाहिर सी बात है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक हफ्ता से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इस पूरे मामले में अब तक 6 FIR दर्ज किए गए हैं, 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अब तक विजय यादव, जो पूरे के पूरे इस मामले का मास्टरमाइंड है और मुख्य आरोपी है, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो पुलिस के सामने नहीं आया है और इसी वजह से अब उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जा रही है। और उसके देख सकते हैं यहाँ पोल्ट्री फार्म के जो बिजली कनेक्शन है उसको भी यहाँ पर काटा जा रहा है। तो जितनी बड़ी ये घटना घटी थी उसके बाद इलाके में तनाव है, पुलिस लगातार कैंप कर रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल प्रशासन विजय यादव पर दबिश बनाने के लिए उसकी कुर्की जब्ती के जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, गांव मुबारकपुर छपरा,